डिंडोरी जिले में गाड़ासराय में दो आरोपियों से 10 किलो गांजा बरामद। पुलिस के अनुसार मुखबिर की सूचना मिलते ही गाड़ासराय के पास बरगांव में बिना नाम की मोटरसाइकिल से लेकर आ रहे गांजा तस्करों को पुलिस ने घेराबंदी कर पकड़ लिया, जिसमें एक थैले में 10 किलो गांजा बरामद हुई, जिसकी कीमत लगभग 1 लाख रुपए बताई जा रही है। 7 आरोपियों के पास से 2 मोबाइल होंडा शाइन मोटरसाइकिल जब्त कर 2 आरोपी मंगरूलाल 29 वर्षीय, राजेश यादव 22 वर्षीय को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। गांजा तस्करों को पकड़ने में उप निरीक्षक अखिलेश दाहिया, ASI मुकेश बैराकी सहित पुलिस स्टाफ को SP ने इनाम देने की घोषणा की है। सूचना मिली की अमरकंटक रोड से 2 लड़के मोटरसाइकिल होंडा शाइन बिना नंबर की, इसमें झोले में गांजा लेकर के आ रहे हैं। सूचना विश्वसनीय होने से तत्काल अमरकंटक रोड में बरगांव के पास चेकिंग लगाई गई, जहां पर वो 2 व्यक्ति आए जिनको घेराबंदी करके रोका गया। उनकी तलाशी ली गई, जिसमें से एक झोले में 10 किलो अवैध मादक पदार्थ गांजा मिला है, जो NDPS धारा 8/20 के तहत अन्य पाए जाने से तत्काल मौके पर विधिवत कार्रवाई की गई। गांजे को जब्त किया गया और उनके पास से मोटरसाइकिल और मोबाइल जब्त किए गए हैं, कुछ नकद पैसे भी जब्त किए गए। सर, ये आरोपी कहाँ के? ये एक मंगरूलाल यादव है जो 29 वर्ष का है, और एक राजेश यादव है। दोनों ये गोरखपुर चांदरानी थाना ढिंडोरी क्षेत्र के रहने वाले हैं, और ये काफ़ी समय से इसमें लिप्त थे।